हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आज का वीडियो ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य पर स्थित है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। और भी आप लोग अगर जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस समय आने वाले एग्ज़ाम्स में, उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सारे प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला देखिए इसमें दिया हुआ है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम के में स्थित है, असम के जोरहाट में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मानस बाघ अभयारण्य, ये भी असम में है, बारपेटा जगह का नाम है। अगला है स्टूडेंट्स केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन बाघ अभयारण्य, ये पश्चिम बंगाल में है, 24 परगना जगह का नाम है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। अगला है देखिए स्टूडेंट्स दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में। नेक्स्ट है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ये उत्तराखंड के। नेक्स्ट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है रणथंबोर बाघ अभयारण्य, ये जयपुर के राजस्थान में स्थित है। अगला है घट प्रभा पक्षी अभयारण्य, ये बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इस तरीके से आप लोगों ने ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को देखा, और भी हैं इसमें आगे। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में पड़ता है स्टूडेंट्स, जूनागढ़ में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है अभयारण्य, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। हजारीबाग नेशनल पार्क, ये हजारीबाग जो कि झारखंड में स्थित है पड़ता है। नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्रा के नेल्लोर में स्थित है, आंध्र प्रदेश के। अगला है स्टूडेंट्स मुदुमलई अभयारण्य, ये तमिलनाडु के नीलगिरी में है। नेक्स्ट है केरल के इडुक्की में है पेरियार अभयारण्य, ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पेरियार अभयारण्य, ये इडुक्की केरल में प्रेजेंट है, उपस्थित है, स्थित है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य ये मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। गाहिर माथा कछुआ अभयारण्य ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर बिहार में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये केरल में स्थित है, पलक्कड़ जगह पर का नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है स्टूडेंट्स गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चार आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये चारों आपके प्रेजेंट हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए ये जियोग्राफी से लिया गया है, ठीक है, ये भी आपका जीएस का पार्ट है। ओके, भूगोल से लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जनरल स्टडी के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है मानस नदी किसकी सहायक नदी है,
मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, मानस नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग को स्क्रीन पर ये दिख रहा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बाढ़ आती है उससे चारों तरफ तबाही मच जाती है, नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कौन सी महासागरीय जलधारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। ये यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्यूराइल, अलास्का, कैलिफोर्निया, एक चौथा ऑप्शन डी है जो कि सही आंसर होगा इसका, कि कौन सी महासागरीय जलधारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। ये तीनों आपके प्रशांत महासागर में ये जो जलधारा है बहती है, क्यूराइल, अलास्का और कैलिफोर्निया। ये है अगुलहास, अगुलहास जो ये है जलधारा ये प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस तरीके के वन पाए जाते हैं भारत में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये आपके सबसे ज़्यादा भारत के वन में पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के निम्न में से किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर। तो असम में की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मालवा का पठार यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। तो तूतीकोरिन यह बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, बाकी पश्चिमी तट पर न्हावा शोवा, मर्मागोवा और कोच्चि ये आपके तीन जो है बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं, लेकिन ये तूतीकोरिन जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ये चारों में से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ये आपका सूर्य ग्रहण के समय कौन सा बीच में रहता है। तो चंद्रमा, चंद्रमा जो होगा ये सूर्य ग्रहण के समय बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल से, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर से कीजिए स्टूडेंट्स, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।